This is Suhema Rahis of class 12th of Khalsa Girls Inter College. My topic is technology and toys and my subtopic is maths for us. मैथ्स फॉर अस से मेरा ये मतलब है कि मेरे लिए मैथ्स क्या है, और टेक्नोलॉजी एंड टॉयज से मेरा ये मतलब नहीं है कि हमें कोई टॉयज से ही मैथ्स समझ में आए. मेरा मतलब है कि हम अपने सराउंडिंग से, अपने आसपास की चीज़ों से भी मैथ्स सीखें. जैसे कि अगर हम कहीं घूमने भी जा रहे हैं, कहीं ट्रिप पर भी जा रहे हैं, तो वहाँ से भी हम मैथ्स लर्न कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को भी विजिट कर रहे हैं, तो हमें और पेरेंट्स को अपने बच्चों को बताना चाहिए कि वहाँ पर मैथमेटिक्स किस तरीके से यूज़ हो रही है, किस तरीके से उस के आर्किटेक्चर में मैथमेटिक्स लग रही है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ताजमहल की बात करें, तो उसके अंदर भी उसकी ब्यूटी और एलिगेंस का जो सीक्रेट है वो मैथमेटिक्स ही है. उसे 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी मैथमेटिक्स के रीजन से ही माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर इतने सारे इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट यूज करे गए हैं. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कैसे ताजमहल में मैथमेटिक्स यूज करी गई है. तो सबसे पहले ताजमहल में मैथमेटिक्स यूज करी गई सिमेट्री, ज्योमेट्री, एंगल, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री एंड बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग है, गोल्डन रेशियो, वो भी यूज़ करा गया है. अगर मैं बताऊँ सिमेट्री ताजमहल में कैसे यूज़ करी गई है, तो अगर आपने देखा होगा, ताजमहल बिल्कुल परफेक्टली सिमेट्रिकल फिगर है. ताजमहल में सिमेट्री को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया गया है. ताजमहल को हम किसी भी साइड से देखें, जो उसके अगर हम उसे हाफ साइड से वन लाइन से डिवाइड करते हैं, तो जो उसका हाफ साइड पर है वो इसके अदर हाफ साइड पर, जैसे कि मीनार्स हो गई, गुंबद हो गई, वो सब उसके इधर हाफ साइड पर भी प्रेजेंट होगा. और अगर हमें इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो, तो हम अंदर हम इसके हाफ का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे और उसे डबल कर देंगे, तो हम इसके फुल ताजमहल का वॉल्यूम हमें मिल जाएगा. और अगर हम बात करें ताजमहल के अंदर, सिमेट्री इतनी सीरियसली ली गई है कि उसके जो टाइल्स हैं, फ्लोर के टाइल्स, उन समय में सिमेट्री यूज़ करी गई है. इवन ताजमहल में मिरर सिमेट्री भी पाई जाती है. अगर हम बात करें ज्योमेट्री की, तो ताजमहल में बहुत सारे ज्योमेट्रिकल एंगल यूज़ करे गए हैं, जैसे कि सिलेंडर्स, ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल्स, सेमी सर्कल्स. और अगर हम बात करें एंगल्स की, तो ताजमहल में एंगल्स ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, इसकी प्रोटेक्शन में भी और इसकी सुंदरता को भी बढ़ाने के लिए. अगर हम देखें, तो ये जो ताजमहल की 4 मीनार्स हैं, वैसे तो ये हमें बिल्कुल राइट एंगल की लगती है, पर ये राइट एंगल की नहीं होती, ये हल्की सी मेन स्ट्रक्चर से थोड़ी आउट होती हैं, ताकि इन केस ऑफ अर्थक्वेक, कभी भी अर्थक्वेक आता है, तो ये मेन स्ट्रक्चर पर ना गिरकर बाहर की साइड गिरे, जिससे ताजमहल को कोई प्रॉब्लम ना हो. अगर हम बात करें कैलकुलस की, तो ताजमहल में कैलकुलस का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है. ताजमहल में डिफरेंशियल कैलकुलस यूज़ करा गया है. आर्किटेक्ट सिंपल ज्योमेट्री से भी ताजमहल को बना सकते थे, पर उन्होंने कैलकुलस यूज़ करा, क्योंकि ताजमहल में बहुत सारे कर्व्ड एंगल यूज़ हुए हैं. डिफरेंशियल कैलकुलस की हेल्प से आर्किटेक्ट्स ने इसकी बिल्डिंग के साइज़ को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने में हेल्प मिली है. इंटीग्रल कैलकुलस की हेल्प से ताजमहल के डोम को बनाने में उन्हें हेल्प मिली है. और ताजमहल आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर में भी ठंडा रहता है, उसका रीजन में इंटीग्रल कैलकुलस ही है. अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो ताजमहल में हम ट्रिग्नोमेट्री भी देख सकते हैं. अगर मान लीजिए कोई इंसान ताजमहल से 100 फीट की दूरी पर खड़ा है और वो क्लाइनोमीटर से ताजमहल को देखता है, तो वह एंगल बनाएगा 79.9 डिग्री का, जिससे अगर वो कैलकुलेशन करेगा तो ताजमहल का हाइट भी पता लगा सकता है. और अगर आप कभी भी ताजमहल जाइए, तो अपने साथ क्लाइनोमीटर ज़रूर लेकर जाइए, जिससे आप फन तरीके से ट्रिग्नोमेट्री को सीख सकते हैं. जैसे कि अगर हम ताजमहल में क्लाइनोमीटर लेकर गए और हमें ताजमहल की हाइट पता है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि हम उससे कितने डिस्टेंस पर खड़े हैं. अगर हम बात करें गोल्डन रेशियो की, तो ताजमहल में हमारा पूरे तरीके से गोल्डन रेशियो पाया जाता है. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी गोल्डन रेशियो क्या होता है. गोल्डन रेशियो एक फिबोनाची सीरीज होती है, जो 0-1 से स्टार्ट होती है, इन्फिनिटी तक चलती है. वो सीरीज ऐसे बनती है, अगर हम 0 के साथ 1 प्लस करें तो 1 आएगा, फिर हम जो इक्वल्स टू वाले नंबर हैं उन्हें प्लस करते करते जाएं, तो इन्फिनिटी तक एक ऐसी सीरीज बनकर आती है, जिसका अगर हम कोई रेशियो लेते हैं तो 1.618 आता है, और इसे हम एक ग्रीक लेटर फाइव से डिनोट करते हैं. फिर जो गोल्डन रेशियो है, वो हमारे नेचर में पाया जाता है. अगर आप देखें किसी फ्लावर को, रोज़ को, उन सब में भी गोल्डन रेशियो है. इवन ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन फेस में, जो भी आपको अट्रैक्टिव लगता है, उसमें भी गोल्डन रेशियो पाया जाता है. अगर हम बात करें, अगर हम गोल्डन रेशियो में अपने डिज़ाइन में इंक्लूड करेंगे, तो हमारा जो डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा. जैसे कि आपने देखा होगा आईफोन सबसे फेमस फ़ोन है. अगर हम उसकी बात करें, तो उसका जो लोगो है, जो आईफोन का लोगो है, वो भी गोल्डन रेशियो के बेस पर ही बनाया गया है. पेप्सी का लोगो, और आपने सुना होगा लियोनार्डो दा विंची की फेमस पेंटिंग जो मोनालिसा है, उसके फेस भी हमें इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता, क्योंकि उसके अंदर भी गोल्डन रेशियो है. इसी तरीके से पिरामिड्स ऑफ गीज़ा में भी गोल्डन रेशियो है. इसी तरीके से हमारा जो ताजमहल है, इसके अंदर भी आप देखें तो पूरी हमारी जो स्पाइरल होती है, इसके अंदर हमारा ताजमहल पूरी तरीके से फिट हो रहा है. ये स्पाइरल कुछ इस तरीके से बनती है, एक 1 by 1, हमारी फर्स्ट नंबर है 1 by 1, तो हम सबसे पहले 1 by 1 का स्क्वायर बनाते हैं, फिर ऐसे करते करते 2 by 2 का, 2 plus 1 3 by 3 का, 3 plus 2 5 by 5 का, ऐसे ऐसे करते करते एक इन्फिनिटी तक की स्पाइरल बन जाती है. वो स्पाइरल हमारे ताजमहल में पूरी तरीके से फिट हो रही है, जिसकी वजह से हमारा ताजमहल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है.
इसी तरीके से ताजमहल में मैथमेटिक्स इंक्लूड हुई है। मैं अपने इस मॉडल से ये बताना चाहती हूँ कि बच्चे फन तरीके से आर्किटेक्चर को सीख सकते हैं, जिसके अंदर में उनके अंदर एक नया टैलेंट जनरेट होगा और उनके अंदर एक आर्किटेक्ट डेवलप होगा। वो इससे इंस्पिरेशन लेके अपने डिज़ाइन इनोवेट कर सकते हैं। सिर्फ ताजमहल ही नहीं, हम किसी भी मॉन्यूमेंट या कोई भी चीज़ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, उसके पीछे की मैथमेटिक्स जान सकते हैं और फिर से अपने आइडिया में इंक्लूड करके कुछ नया इनोवेट कर सकते हैं।